राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एसएस इंस्टीट्यूट से। आज क्लास 11th की बेटा फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर में पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा बॉयली लॉ। क्या कहता है ध्यान पूर्वक देखिएगा। इट स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई कंटेनर है बेटा, और उसमें क्या नाम है, मैंने क्या करा बेटा, गैस को फिल कर रखा है, ठीक है। तो उसमें कोई ना कोई प्रेशर लग रहा होगा, और इट कंटेन या इट एग्जर्ट क्या नाम है प्रेशर, और इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ प्रेशर होगा और इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो जो वॉल्यूम होगा बेटा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉयलिंग लॉ के अकॉर्डिंगली इसके प्रेशर के। क्या हो जाएगा, V is directly proportional to 1 upon P। जब हम directly proportional का sign हटा दिया तो कोई ना कोई constant देना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P multiplying में V हो जाएगा बराबर में K। तो K equals to में क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, PV। Yes or no? अब मैं बात करूं आप लोगों से, let's suppose we have two container and having two type of gases having the pressure P1 and V1 volume, ठीक है। अदर जो दूसरी हमारे पास गैस होगी उसका भी प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 और V2, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं बेटा बाय बॉयलिंग लॉ कि P1 V1 इज इक्वल टू में P2 V2, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या नाम है बेटा उसमें करते थे, कौन सी थ्योरम थी, बर्नौली थ्योरम में जो कांस्टेंट आता था इक्वल टू में, ठीक है। तो हाँ, तो क्या हो जाएगा, P1 V1 इक्वल टू में P2 V2, क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्लियर हो गई यानी बात। तो के यहां कौन जा रहा है बेटा, तो के हो जाएगा बेटा के क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट, ठीक है। और ये क्या नाम है, किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, तो ये करता है बेटा मास ऑफ गैस पर। ये वाली बात क्लियर हो गई, क्या मास है गैस का, ठीक है। और टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगा, और क्या रहेगा बेटा, किस पर डिपेंडेंट होगा, जहां पर बेटा जिस भी डिवाइस से जिस भी चीज से क्या नाम है प्रेशर और वॉल्यूम को मेजर किया जा रहा है, ठीक है, उन पर डिपेंडेंट होता है के हमारा। ये वाली बात क्लियर हो गई। नाउ ये वर्सेस वी का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो एज वी नो दैट कि भाई वॉल्यूम लॉ ये कहता है कि जो वी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसी भी गैस के प्रेशर की। यस और नो गाइस? तो अगर मैं इन दोनों के बीच में क्या नाम है ग्राफ प्लॉट करता हूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। ध्यान पूर्वक देखिएगा, मैंने पिछली प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों को बता रखा है, जो भी पुराने बच्चे हैं और जो वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो मैंने एक कोई पॉइंट ले लिया इस पर, ठीक है, तो ये मैंने लिया पी और ये मैंने लिया वी, लिया सपोज प्रेशर और वॉल्यूम। तो यहां पर मैंने नाम दे दिया इसको P1, yes or no guys? और इसको मैं नीचे कर लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा V1, yes or no? अब मैंने दूसरा कंपेयर कर रहे हैं ना, कंपेयर कर रहे हैं कि भाई ये कैसे क्या नाम है जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल को प्रूव करना पड़ेगा। तो मैंने एक पॉइंट और ले लिया यहां पर, तो ध्यान से देखना इसको यहां पर डाला तो ये हो गया बेटा P2, और इसको मैंने V पे डाला तो कितना हो गया बेटा V2। अगर मैं देखो यहां पर ऊपर से P1 से P2 आया तो क्या हो गया, कम हो गया ना, लेकिन यहां V1 से V2 आया तो ये बढ़ गया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। क्लियर हो गई, मजा आ गया। नाउ अगर बात करी जा रही है बेटा दूसरे प्लॉट दूसरे ग्राफ की, पी वर्सेज 1/V, और 1/V का मतलब क्या हो गया यहां पर कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। क्या ये कंडीशन सच है, चलो एक बार ग्राफ पर देख लेते हैं। तो ये प्रेशर है हमारे पास बेटा और ये वॉल्यूम है। क्लियर हो गई? तो कुछ कंडीशंस, कुछ एक्सेप्शन केस में ऐसा हो रहा होगा कि प्रेशर तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो उसके लिए फिर प्लॉट ग्राफ प्लॉट करवाया गया होगा कि भाई ये इधर डाला मैंने और ये इधर डाला, तो ये हो गया प्रेशर पर डाला तो P1 हो गया, V पे डाला बेटा तो ये V1 लैग सपोज कर लिया। अब इस पर कोई सा और पॉइंट ले लिया मैंने, ये मान लो ये ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा P2, और इस पर डाला तो ये कितना हो जाएगा बेटा V2। P1 से P2 गए तो बड़ा, V1 से V2 गए बड़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो 1/V में V भी बढ़ रहा है। 1/V में जो भी क्वांटिटी रहेगी वो भी इंक्रीज हो रही है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये हमारा नॉर्मल बॉयलिंग लॉ था, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं।